Hey there, you're listening to The Quint. साल के आखिरी कोने में आकर बैठ गए हैं और नए साल की चौखट लांघने वाले हैं आप और हम। लेकिन जरा पलट कर देखें, आप क्या से क्या हो गए हैं? जो हिम्मत आपने दिखाई है और जो सबक इस साल हमने हासिल किए हैं, उन्हें आप किसी तरह भी तोल नहीं सकते हैं, किसी भी तरह नाप नहीं सकते हैं। और जो कुछ हमने हासिल किया है, उसकी बात बशीर बद्र के इस एक शेर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सात संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें। सात संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो आज पॉडकास्ट में जिस लफ्ज पर बात करेंगे, वो दरअसल एक दुआ है जिसकी हम सबको बड़ी जरूरत है, और वो है सलामती, यानी किसी का महफूज होना। और जाहिर सी बात है, दुआ उसी के लिए निकलती है जिसके लिए दिल में गुंजाइश हो। द क्विंट और क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। सलामती के मायने पीस और बेहतर हेल्थ के लिहाज से समझे जा सकते हैं। ये एक आलमी वबा का दौर है जो कि खत्म ही नहीं होके दे रहा है। हाँ, ये सच है कि अगले साल के तस्वुर से बहुत नर्वसनेस हो रही है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी जो मैं खुद से कहती हूँ कि इस साल जो कुछ हमने खोया है उस पर सब्र करें, और जो कुछ भी बचा पाए हैं उस पर शुक्र करते हुए आगे बढ़ें सलामती के साथ। सलामती की दुआ देने का मतलब है खुदा से किसी की खैर मांगना। अब आपको दुआ देने वाला सलामती की दुआ देते वक्त आपकी अच्छी सेहत की उम्मीद करता है, और ये भी उम्मीद करता है कि आप सुकून से रहें, आपके दिल की तमाम बेचैनियां खत्म हो जाएं। तो सलामती को उर्दू शायरी में पीसफुल लाइफ यानी पुरअमन जिंदगी, मोहब्बत और सुकून की उम्मीद करने के हवाले से भी समझा जा सकता है। और इस पीस के थीम पर आपको बेहद नफीस और खूबसूरत आशार मिल जाएंगे। इस थीम पर इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत कुछ लिखा गया है, उनमें से कुछ चीजें आपको आगे सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको साहिर लुधियानवी की एक नज्म सुनाना चाहूंगी जिसका नाम है ए शरीफ इंसानों। साहिर लिखते हैं, पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप उर्दू नामा को फॉलो कर सकते हैं गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी।